हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैंने मनी प्लांट पे वीडियो बनाने का सोचा है क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि इतनी गर्मी में उनका मनी प्लांट अचानक सूख जा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज की वीडियो इसी पे है और चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे आसपास देख रहे हैं कितने सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। तो मनी प्लांट हम सबको इतना पसंद होता है, मैं तो सोचती हूँ कि ये शायद हर घर में लोग रखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से ये सूख जाते हैं। स्पेशली गर्मियों में ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं अगर इनकी केयर ना की जाए। तो आज कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और उनको फॉलो करके आप इसको सालों भर ग्रीन रख सकते हैं। देखें, ये डार्क ग्रीन है, ये नियॉन कलर के हैं और ये जो नॉर्मल मीडियम साइज़ का जो होता है लीफ वाला, मीडियम साइज़ के लीफ वाला वो है। ये सबसे पुराना मेरे पास मनी प्लांट है, तकरीबन 10 सालों से ये है और इसको हर टाइम मैं ट्रिम करके और इस तरह से बुशियर रखती हूँ। अभी थोड़ा सा ये डल लग रहा है क्योंकि ये हल्का सा धूप में था। तो इतनी गर्मी में जब आपका मनी प्लांट धूप में रहता है तो कुछ इस तरह से हो जाती हैं इनकी टिप्स। देखें आप, यहाँ पे इनकी टिप्स भी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हैं। कुछ लीव्स कुछ दिन पहले मैंने हटा दी थी लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गर्मी का असर है। हालाँकि मैं इसकी प्रॉपर केयर करती हूँ, शायद इसी वजह से ये इतना बुशी और अभी तक ये चल रहा है। और यहाँ देखें आप, ये नियॉन पॉथोस हैं, ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं और इसी वजह से शायद ये मार्केट में आपको थोड़े महंगे भी मिलते हैं और ये स्लो ग्रोअर हैं। मनी प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती हैं, अलग अलग उनकी ग्रोथ होती है, तो हमें ये सब जानना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये थोड़ा मार्बल पॉथोस है, इसमें इस तरह के जो बने रहते हैं शेड वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये मार्बल टाइप के हैं और ये अलग वैरायटी है। ये देखें, नियॉन पॉथोस में ही ये थोड़े बड़े लीफ वाला मनी प्लांट है। तो इस तरह से मेरे पास तरह तरह की वैरायटी में, और नीचे इंडोर भी मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं और वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गार्डनिंग नहीं करती हूँ, जो इजी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से मैं इन सबको स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप देने वाली हूँ जिससे आपका बिना किसी परेशानी का आप घर की ही चीज़ों से इसको वेल मेंटेन्ड और एकदम लश ग्रीन रख सकते हैं। मनी प्लांट की मिट्टी को मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, 10:1 का रेशियो रखती हूँ, 10 पार्ट ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल और 1 पार्ट कोई भी अच्छा सा कंपोस्ट उसमें ऐड कर देती हूँ। मनी प्लांट में वाटरिंग भी थोड़ा सा ढंग से करना है क्योंकि हम यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। जब भी टॉप सॉइल बिल्कुल आपको सूखी हुई लगे तभी इसमें वाटरिंग करें। अभी तो चूँकि गर्मी है इसलिए आप एक टाइम इसमें वाटरिंग करें और दूसरा इसमें मिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टिंग करने का मतलब है कि जैसे आपने मॉर्निंग में इसको पानी दे दिया, अगर ओपन एरिया में है तो, इंडोर है तो आपको सप्ताह में एक दिन पानी डालना है इसमें, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता है तो पानी सूखता नहीं है। तो क्या करना है हमें, जैसे जो इंडोर भी हम प्लांट रखते हैं उसमें भी मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग का मतलब है कि आप इसको सुबह शाम स्प्रे कर दें, ये उसमें बहुत हैप्पी रहता है। और ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तब फिर टिप ब्राउन होने लगेगी, पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगेंगी। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हम पानी ज़्यादा देते हैं किसी भी प्लांट में तो हमारी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, एयर सर्कुलेशन रुक जाता है और हमारी प्लांट के रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हमारे प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, धूप भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ बैलेंस है, फिर क्यों हमारा प्लांट थ्राइव नहीं कर पा रहा है। वाटरिंग में आपको एक सिंपल सा टिप्स बता देती हूँ कि कैसे हमें चेक करना है कि हमें वाटरिंग करनी है या नहीं करनी है।
तो आप देखें, ये जो मिट्टी है इसमें अपनी उंगली को इस तरह से डिप करें, और जब आप उंगली अपनी बाहर करेंगे, ये देखें मेरी उंगली में ये मिट्टी चिपक गई है, ये बहुत ज़्यादा इसमें अभी पानी है, और जब आपका ये सूखा रहेगा तो आप अपनी उंगली डिप करेंगे तो बिल्कुल भी मिट्टी इसमें नहीं लगेगी। वही एक ऐसा टाइम है जब आपको इसमें वाटरिंग करनी है। देखें, इस प्लांट को जितना वाटरिंग पसंद नहीं है उतने ही ज़्यादा इसको मिस्टिंग पसंद है, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और सुबह शाम अगर इसको मिस्टिंग कर दें, चाहे आपका इंडोर भी प्लांट हो तो ये बहुत बढ़िया चलता है। मिस्टिंग क्या करना है, सिर्फ इस तरह से इसके पत्तों को स्प्रेयर से अच्छे से सुबह शाम नहला दें, इससे आपका प्लांट बहुत हैप्पी रहेगा और बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा, और जो हीट का इम्पैक्ट होता है वो भी इससे कम हो जाता है सुबह शाम जब आप इस तरह से करते हैं। और ये स्पेशली मनी प्लांट के लिए है। अगर आप अपने मनी प्लांट को एकदम से लश ग्रीन और अच्छा देखना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करें। देखें, आप हैंगिंग बास्केट में भी इस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं, इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, और आप देखें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। जबकि ये नियॉन पोथोस जो होते हैं वो बहुत स्लो ग्रोअर होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं इसकी एक सीक्रेट टिप आप लोगों को बताऊंगी, जिससे ये थ्रू आउट पूरे साल हरा भरा रहेगा। इवन आप इसको एक्सट्रीम गर्मी में भी दे सकते हैं, तो वो मेरा ये आप यहाँ पे देखें वो ये है। ये जो हम ये रॉ चावल है, राइस, जिसको हम जब धोते हैं तो मैं इसके पानी को नहीं फेंकती, इसको मैं मनी प्लांट में डालने के ही इस्तेमाल में लाती हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या दाल का पानी भी डाला जा सकता है, तो आप दाल का पानी नहीं डालेंगे क्योंकि वो फंगस प्रोन होता है और उससे फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत प्रोटीन रिच होता है, तो उसको अवॉइड करें। आप चावल का पानी आराम से दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ है जो इसको इसके फोलियज को ग्रीन रखने में बहुत हेल्प करता है, वो है ये चाय पत्ती का पानी। इसको ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको आपको स्प्रे करना है, जैसे मैंने आप लोगों को मिस्टिंग दिखाई है वैसे ही इसको डाइल्यूट करके पानी में, जैसे हमने एक लीटर पानी लिया है, एक चम्मच ये फ्रेश टी लीफ है, तो इसको हम एक ग्लास पानी में एक चम्मच हमने डाल दिया है। अब इतने को हमें पूरे एक लीटर पानी में मिक्स कर देना है। इसका आधा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब गर्मी थोड़ी कम होगी तो आप ये पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से डाइल्यूट करके आप अपने सारे लीफ पे आराम से स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इसको स्प्रे नहीं करना है, ये वाटर, ये जो राइस वाटर है इसको स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में डालना है, इसको आपको प्लांट पर स्प्रे करना है, और स्प्रे भी करना है 15 डेज या 1 मंथ में एक बार बस। ये भी आप 1 मंथ में एक बार दें और आप अपने प्लांट की चमक देखेंगे, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल ठंडी खाद में आप इसको, ठंडी लिक्विड खाद में आप इसको ले सकते हैं। इस तरह की जिनकी टिप ये बेकार हो जाती हैं, इस तरह सारे सूखे जो पत्तियां होती हैं उनको टाइम टू टाइम आपको निकालते रहना है, इससे आपका प्लांट इन्फेक्टेड नहीं होगा। ये एक सीढ़ी है जिसको मैंने कलर किया हुआ था, और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस मनी प्लांट को इसके ऊपर से लेके आऊं, और देखें धीरे धीरे वही चावल का पानी और जो टी लीफ का मैंने आप लोगों को बताया था लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसी को डाल के मैंने इसे इतना सुंदर बनाया है। और आप यकीन करें, ये इतना बुशी था क्योंकि मेरी स्टेयर्स दिखनी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी थिनिंग कर दी है, मैंने इसको कट कर दिया है ताकि ये भी सुंदर दिखे और मेरा स्टेयर भी दिखे। तो आप लोगों ने देखा कि कितने सिंपल वे में हम इसका रखरखाव कर सकते हैं, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ा, हर चीज़ घर में ही अवेलेबल है। और एक और चीज़ जो आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे लीव्स बड़े नहीं हो रहे हैं प्लांट के, तो ये ध्यान रखें कि इसके अलग अलग वैरायटी होती हैं। अब देखें इसमें भी ये नियॉन पोथोस ये छोटे लीफ वाला है, अगर हम चाहेंगे कि ये इस तरह के बड़े बड़े लीफ प्रोड्यूस करने लगे तो वो नहीं होगा। चाहे हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालें, कितना भी केयर करें, ये अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है, तो ये बड़े हो जाते हैं
थोड़े और इससे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके छोटे प्लांट भी फर्टिलाइजर देके बड़े बड़े हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इन चीज़ों में ना पड़े। देखते हैं कटिंग से इसको कैसे लगाना है। कटिंग से लगाना बहुत ईजी होता है। और देखें यहाँ पर जो भी आपके एक्स्ट्रा जैसे हो जाते हैं उनको काट लिया करें। जब भी प्रून करें इन्हें ना फेंकें। ये देखें इस तरह की कटिंग हमने ले ली है और इसी से बना लेंगे अब हम। ये आप यहाँ पे देखें हर नोड एरिया में आपको इसमें रूट दिखेंगे। तो हमें सिंपल से इस तरह से कट कर लेना है और इसको हॉरिजॉन्टल इसी तरह से ऐसे लगा लेना है। ये दोनों हमारे डेवलप हो जाएंगे, ये दोनों रूट। तो इस तरह से हमें लगा देना है ऐसे दबा के। और एक इस तरह के बास्केट में आप करीब 7-8 प्लांट लगाएं। इससे ये काफ़ी बुशी हो जाएंगे और नीचे की तरफ एक तरह से नीचे की तरफ निकलेंगे। इसे वाटरिंग कर देंगे और इसको किसी आप सेडी प्लेस में डाल करके छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।